जय हिंद दोस्तों, आज अपने सामने खड़ी है बजाज चेतक 3201 स्पेशल एडिशन मॉडल। तो गाइस इस गाड़ी को सेकंड टॉप मॉडल भी कहा जाता है, लेकिन अभी तक ये मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है। यहाँ पे आप लोगों को डेमो मॉडल ही देखने को मिलेगा। तो गाइस अगर आप लोगों को ये गाड़ी ख़रीदना है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन इस गाड़ी का हम लोग डिटेल में रिव्यू करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि 2024 में ये गाड़ी मतलब ईवी गाड़ी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बाकी गाड़ियों से इसका कंपैरिजन भी बताते रहेंगे। जैसे बजाज में आप लोगों को स्पेशल एडिशन के साथ साथ जो बाकी गाड़ियाँ है, प्रीमियम मॉडल, अर्बन मॉडल और बाकी जो 2901 मॉडल है, इन सब गाड़ियों से कंपैरिजन करके भी बताएंगे। तो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस शुरू करते हैं गाड़ी के बारे में बताना। तो सबसे पहले गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो लखनऊ में 1,28,000 के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगी। वहीं अगर जो ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1,42,000 के आसपास आप लोगों को लखनऊ में देखने को मिलेगी। लेकिन जितनी भी ईवी स्कूटर्स हैं वहाँ पे आप लोगों को 8,500 रुपये का डिस्काउंट या सब्सिडी देखने को मिल जाती है। मतलब देखा जाए तो 1,34,000 रुपये के आसपास ये गाड़ी आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिलेगी। तो गाइस शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पे फ्रंट में आप देख सकते हैं एक शाइन करता हुआ आप लोगों को वाइजर देखने को मिल जाएगा। भाई यहाँ पे बात करें तो ये आप लोगों को फाइबर देखने को मिलेगा। क्रोम फिनिशिंग के साथ ये गाड़ी नहीं आती क्योंकि ये स्पेशल एडिशन है। जो प्रीमियम मॉडल है वहाँ पे आप लोगों को क्रोम फिनिशिंग देखने को मिलती है। तो भाई इसका भी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को गोल्ड ईयरल्स देखने को मिल जाएंगे और LED हेड सेटअप के साथ ये गाड़ी आती है। तो मतलब देखा जाए फ्रंट का जो इसकी लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। अगर यहाँ पे आप लोग नंबर प्लेट लगा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी प्यारा लगता है। चेतक का लोगो लगा है और भाई के जो इंडिकेटर हैं आप लोगों को LED देखने को मिल जाते हैं। इनबिल्ट इंडिकेटर आते हैं गाड़ी में। भाई जो फ्रंट की बॉडी है वो आप लोगों को मेटालिक बॉडी देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। मतलब देखा जाए तो चेतक में करीब 70% मेटल का यूज किया गया है बॉडी में। तो भाई चेतक का वेट और इसकी जो मजबूती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इसके मड गार्ड की बात करें तो भाई यहाँ पे आप लोगों को फाइबर देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी जो मजबूती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वहीं अगर जो ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो फ्रंट में आप लोगों को डिस्क ब्रेक देखने मिल जाएगा, लेकिन भाई यहाँ भी आप लोगों को कंबाइन ब्रेक देखना मिलता है। अगर जो आप फ्रंट में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो 30% 40% है पीछे भी अप्लाई हो जाता है। बाकी फ्रंट आप देख सकते हैं यहाँ पे टेलीस्कोपिक शॉक रबर देखने को मिल जाएंगे वन साइडेड। भाई सिंगल आर्म के साथ ये गाड़ी आती है। मतलब जो इसका जो फ्रंट का डिज़ाइन है और लुक है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। अगर जो वहीं इसके टायर की बात किया जाए तो यहाँ 90x90 का टायर देखने को मिल जाता है। अगर जो अलॉय साइज की बात किया जाए तो यहाँ पे 12 इंच का अलॉय देखने को मिल जाता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ का जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया गया है गाड़ी को। तो कहीं तो बातें थोड़ा सा साइड में और इसके मोटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई मोटर आप लोगों को 4.2 किलोवाट का देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर जो इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें ये करीब 3.2 किलोवाट की बैटरी देखने को मिल जाएगी। अगर वहीं इसके चार्जिंग टाइम की बात किया जाए ये करीब 5.5 घंटे में 0 to 100% देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर जो इसके रेंज की बात किया जाए तो भाई यहाँ पे रेंज जो है वो बढ़ा दी गई है। पहले जो प्रीमियम मॉडल आता तो वहाँ पे आप लोगों को करीब 123 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 136 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलेगी। मतलब देखा जाए स्पेशल एडिशन में जो रेंज है वो बढ़ा दी गई है। तो गाइस ये बात हो गई इसके मोटर रेंज इन सब के बारे में। वहीं आप लोगों को सिंगल स्टैंड के साथ ही गाड़ी मिलती है। स्टैंड की जो क्वालिटी काफ़ी प्यारी लग रही है। फुटरेस्ट देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आते हैं। भाई इसका जो टच और फील है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। यहाँ पे आप लोगों को फुटरेस्ट देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को डेमो मॉडल देखने को मिलता है, मतलब ये गाड़ी जो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन नहीं होगा। तो लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले भाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, कॉल SMS अलर्ट देखने को मिल जाएगा, और भाई यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, OTA देखने को मिल जाएगा, हेल होल्ड देखने को मिल जाएगा, स्पीडोमीटर डिजिटल है, ट्रिपोमीटर डिजिटल है, ओडोमीटर डिजिटल है, और भाई इसमें एडिशनल फीचर हैं जैसे टेम्पल अलर्ट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इन सब गाड़ियों में। बाकी राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस मतलब देखा जाए तो गाड़ी में बहुत कुछ है इसके मीटर कंसोल। तो गाइस अब बात करते हैं गाड़ी के स्विचेस की। तो यहाँ पे आप लोगों को राइट टर्न स्विच देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग रिवर्स के लिए है कि यहाँ पे आप लोग इसके मोड्स वगैरह जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर से इसका सेल्फ रहा इससे स्टार्ट कर सकते हैं, ड्राइविंग मोड जैसे लिखा है। यहाँ भी आप लोगों को जैसे लेफ्ट इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, हाई बीम, लो बीम, हॉर्न की स्विच देखने को मिल जाएगी। मतलब देखा जाए जो स्विचेस हैं उनमें आप लोगों को काफ़ी कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इनकी क्वालिटी की बात किया जाए तो भाई क्वालिटी एक नंबर है। बहुत ही अच्छे तरीके से स्विच का जो एडजस्टमेंट है, इनका जो डिज़ाइन है, इनकी जो टच और फील है वो काफ़ी प्रीमियम रखी है। वहीं अगर दोनों साइड इसके लेवर की बात किया जाए तो यहाँ पे नॉन एडजस्टेबल लेवर देखने को मिल जाएंगे। ब्रेकिंग सिस्टम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ही है। इसमें एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फीचर है आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये इसका हुक है, इसको इसका हैंड ब्रेक भी कहा जाता है। जैसे आप कहीं हिल वगैरह पे खड़े हैं, यहाँ पे दबा दिए और इसको बंद कर दिए तो भाई ये वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। मतलब देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सही होता है, एक तरीके से हैंड ब्रेक का काम करता है।
तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को साइड मिरर देखने मिल जाएंगे, अभी नहीं लगा है क्योंकि डेमो मॉडल है। बाकी भाई ये हो गया इसके फ्रंट का लुक। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑटोमेटिक कीज देखने मिल जाएंगे। और भाई स्टार्टिंग की बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोगों को पुश बटन स्टार्ट देखने मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही रहने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को एक बूट स्पेस देखने मिल जाएगा, चार्जर वगैरह यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। वहीं अगर जिसके बूट स्पेस की बात किया जाए, ये करीब 21 लीटर का बूट स्पेस देखने मिल जाएगा, जो कि स्पोर्ट और हाफ जितने हेलमेट्स होते हैं आराम से कैरी कर सकते हैं। वहीं अगर जो आप आते हैं गाड़ी के पीछे, तो पीछे देख सकते हैं आप लोगों को एक काफ़ी प्यारा सा डिज़ाइन देखने मिल जाएगा। जैसे इसके फ्रंट में आप लोगों को डिज़ाइन देखने मिलता है, वैसा ही देखने मिलेगा। चेतक का लोगो लगा है, यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। दोनों साइड आप लोगों को रिफ्लेक्टर देखने मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही रहते हैं। अगर इसके रेयर टायर की बात किया जाए तो यहाँ भी 90x90 का 12 इंच का टायर देखने मिल जाता है। यहाँ पे आप लोगों को ड्रम ब्रेक सिस्टम ही देखने मिल जाता है, पीछे डिस्क ब्रेक का कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जो प्रीमियम मॉडल आता है उसमें भी आप लोगों को पीछे का जो डिस्क ब्रेक है वो नहीं देखने मिलेगा। सस्पेंशन की बात किया जाए तो यहाँ पे ऑफसेट मोनोशॉक सस्पेंशन देखने मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा सही होती है। और भाई पीछे भी आप लोगों को सिंगल स्विंग आर्म के साथ ही गाड़ी देखने मिल जाती है। अगर बैटरी की बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोगों को सिंगल बैटरी देखने मिल जाती है, मतलब बाकी जैसे गाड़ियां होती है उसमें दो बैटरी तीन बैटरी देखने मिलती है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सिंगल बैटरी ही देखने मिल जाती है। वहीं अगर जो इसके सीट हाइट की बात की जाए, करीब 772 mm की सीट हाइट देखने मिल जाती है, मतलब देखा जाए 5.5 फीट का बंदा भी आराम से इस गाड़ी को हैंडल कर सकता है। वहीं अगर जो इसके टॉप स्पीड की बात किया जाए तो ये करीब 73 km/h की स्पीड तक भाग सकती है। गाड़ी का टॉप एंड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन गाड़ी का जो पिकअप है, जो इनिशियल है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी ज़्यादा जल्दी ही ये गाड़ी टॉप स्पीड अचीव कर लेती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहती है। अगर गाड़ी के डायमेंशन की बात की जाए तो 1333 mm की इसकी विथ देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर जिसके लेंथ की बात किया जाए तो करीब 1894 mm की इसकी लेंथ देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब देखा जाए लंबी चौड़ी गाड़ी है, इतनी छोटी और कॉम्पैक्ट नहीं है। वहीं अगर जो गाड़ी के कर वेट की बात की जाए तो ये करीब 134 kg का इसका कर वेट देखने को मिल जाएगा, जो कि देखा जाए तो अभी तक जो भारत में जितनी भी ईवी स्कूटर्स हैं सबसे ज़्यादा भारी गाड़ी है ये। 134 kg काफ़ी ज़्यादा होता है एक ईवी स्कूटर्स के लिए। अगर जिसके चार्जर की बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोगों को ऑनबोर्ड चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि 5.5 घंटे में 0-100% फुल चार्ज कर देता है गाड़ी को। और भाई एक काफ़ी ज़्यादा फीचर है कि यहाँ पे आप लोगों को IP67 वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा, मतलब देखा जाए तो बारिश वारिश में आराम से गाड़ी निकल सकती है, क्योंकि IP67 काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और भाई अगर जो इस गाड़ी के स्टैंडर्ड वारंटी की बात किया जाए तो ये करीब 3 ईयर और 50,000 किलोमीटर तक की इसकी स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। बाकी आप अलग से पे करके इसकी वारंटी एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो गाइस ये भी काफ़ी ज़्यादा सही, क्योंकि भाई चेतक में आप लोगों को इसकी जो वारंटी वगैरह है वो काफ़ी सही मिल जाती है, और क्लेम भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो जाती है। तो गाइस यही कुछ था इस गाड़ी के बारे में। बाकी अगर जो कुछ रह गया है, कुछ और आप लोगों को जानकारी लेना है, तो आप लोग कमेंट करिए, सभी के कमेंट का रिप्लाई करेंगे, और सभी के जो क्वेश्चन हैं, कोई प्रॉब्लम है, उन सभी का सॉल्यूशन आप लोगों को बताएंगे डिटेल में। तो भाई अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।